हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3, इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वालिटी, बट इक्वालिटी जैसे वैल्यू हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आज के इस वीडियो में हम इक्वालिटी, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके डिफरेंट डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई डज इक्वालिटी मैटर्स? इक्वालिटी एक पावरफुल मोरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सेंचुरीज से ह्यूमंस को इंस्पायर करती आई है। मोरली इसलिए क्योंकि हम सभी रैशनल बीइंग हैं, जिनके अंदर रीजन करने की क्षमता है, और हम सभी गॉड की क्रिएशन है, और इसीलिए हम सभी के बीच किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली हम सभी के बीच रेस, कास्ट, क्लास, कलर, जेंडर के बेसिस पर बहुत से डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी की इक्वली वर्थ है, और इसीलिए सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल राइट्स ग्रांट किए जाएं। मॉडर्न पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इवेंट था, जिसमें लोगों के द्वारा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की डिमांड की गई। 20th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में भी कॉलोनाइजेशन के खिलाफ लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे स्लोगन्स को रेज किया गया। इक्वालिटी के लिए आवाज उन लोगों के द्वारा भी उठाई गई जो खुद को सोसाइटी में अलग महसूस किया करते थे, फॉर एग्जाम्पल वीमेन, दलित एटसेट्रा। इक्वालिटी आज वाइडली एक्सेप्टेड आइडल है, जिसे बहुत सी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। फिर भी हमें आज इक्वालिटी की जगह इन इक्वालिटी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जरा गौर से नोटिस कीजिए। एक तरफ आपको लग्जरी हाउसेस तो दूसरी तरफ स्लम्स दिखाई देंगे। कुछ स्कूल्स में सभी फैसिलिटीज हैं, जबकि कुछ में ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। कहीं पर कुछ लोग खाना वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं पर लोग भूख से तड़पते हुए। अब यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि हम सभी इक्वालिटी के आइडियल्स को एक्सेप्ट तो करते हैं, पर फिर भी हमें हर तरफ इनइक्वालिटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि आज हम ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें हमें वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, वर्क सिचुएशन, पावर के टर्म्स में इनइक्वालिटी दिखाई देती है। क्या हमें इस तरह की इनइक्वालिटी के लिए परेशान होना चाहिए, या ये हमारी सोसाइटी का परमानेंट फीचर है? क्या इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने वर्ल्ड के बहुत से लोगों को न जाने कितने सालों तक परेशान किया है, और इसीलिए इक्वालिटी आज सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का सेंट्रल थीम बन चुका है। बट एक्चुअल में इक्वालिटी है क्या? व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी से हमारा मतलब है सभी ह्यूमन बीइंग को इक्वल रिस्पेक्ट देना और इक्वली ट्रीट करना, क्योंकि कॉमन ह्यूमैनिटी की वजह से सभी ह्यूमंस इसके हकदार हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी सोसाइटी अपने सभी मेंबर को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक सोसाइटी को स्मूथली रन करने के लिए हमें डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है, मींस जहां सभी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, और इसी बेसिस पर लोग डिफरेंट स्टेटस को भी एंजॉय करते हैं और उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह के डिफरेंसेस को इनइक्वालिटी कहा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। इस तरह के डिफरेंसेस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल और जरूरी समझे जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, आर्मी जनरल्स या कुछ स्पेशल ऑफिसर्स का स्पेशल स्टेटस या ट्रीटमेंट इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं समझा जाता है, जब तक उसका मिसयूज ना हो। मींस सोसाइटी में इन डिफरेंसेस को जस्टिफाइड और एक्सेप्टेबल माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है, तो फिर किस तरह के डिफरेंसेस को अनजस्ट और अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा? कई बार कुछ लोगों से अलग तरह का बिहेवियर इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या जेंडर में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया अपार्थाइड सिस्टम, जिसके तहत ब्लैक को बहुत सी चीजें करना अलाउड नहीं था। व्हाइट्स को वहां सभी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, जबकि ब्लैक्स को नहीं। वीमेन, जिन्हें वीकर सेक्स मानते हुए वोटिंग और एजुकेशन से कई सालों तक दूर रखा गया। कई कंट्रीज में तो वीमेन्स को वोटिंग राइट पाने के लिए एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। इंडिया में इसका एग्जाम्पल है दलित। एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म होने की वजह से इन्हें एजुकेशन लेने से रोक दिया गया। इन एग्जाम्पल्स का कोई एंड नहीं है, और इसीलिए इक्वालिटी का मतलब सभी डिफरेंसेस को खत्म करना नहीं, बल्कि डिफरेंसेस होते हुए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। इससे हमारा क्या मतलब है? तो जानते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है सभी ह्यूमन बीइंग्स को सेम राइट
और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जिससे सभी को अपने गोल और एम्बिशन को पूरा करने के लिए या अपने टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने का पूरा मौका मिल सके। मेन सोसाइटी में लोगों की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, उनके डिफरेंट टैलेंट कैपेबिलिटीज हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोग अपने चूज किए गए एरिया में दूसरों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्रिकेटर या पेंटर बनना चाहता है, बट उस पोजिशन तक पहुँचने के लिए सभी के पास बेसिक रिसोर्सेज या गुड्स का होना, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग की फैसिलिटीज का होना। किसी भी व्यक्ति के पास ये बेसिक फैसिलिटीज का ना होना सोसाइटी को अनजस्ट और अनइक्वल बनाता है, बट सभी के पास आगे बढ़ने का इक्वल चांस ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहलाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। पॉलिटिकल थ्योरी हमें नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज में डिफरेंस बताती है। नेचुरल इनइक्वालिटी से हमारा मतलब है ऐसे डिफरेंसेस जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारी हाइट, वेट, अपीयरेंस, मींस फिजिकली हम एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। हम सभी के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, टैलेंट और स्किल्स होती हैं। ये बेसिकली ऐसे नेचुरल डिफरेंसेस हैं जिन्हें ऑल्टर मींस चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि सोशल इनइक्वालिटीज ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअल वर्क करने वालों को मैनुअल वर्क करने वालों से ज्यादा वैल्यू देना और इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी देना। जेंडर, रेस, कास्ट एटसेट्रा के बेसिस पर लोगों के साथ अलग तरह का बिहेवियर करना या इन बेसिस पर लोगों को एक्सप्लॉइट करना। फॉर एग्जाम्पल, सेम काम के लिए वीमेन्स को कम और मेल्स को ज्यादा सैलरी देना, कुछ स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट से आने वाले लोगों को पब्लिक प्लेसेस यूज ना करने देना। नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी का डिस्टिंक्शन हमें बताता है कि सोसाइटी में किस तरह की इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल और अनफेयर है, बट ये हमेशा के लिए क्लियर और सेल्फ एविडेंट नहीं है। मींस हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे नेचुरल इनइक्वालिटी के बेसिस पर एक लंबे समय से लोगों के साथ भेदभाव होता आया है, जैसे कि वीमेन्स, जिन्हें शुरुआत से ही वीकर सेक्स या लेस इंटेलेक्चुअल मानकर उनके साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन किया गया, एजुकेशन से दूर रखा गया और बाहर जाने से रोक दिया गया। कुछ इसी तरह साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ भी हुआ करता था, जिन्हें हमेशा कॉलोनियल मास्टर के द्वारा लेस इंटेलिजेंट मानकर सिर्फ मैनुअल वर्क के लिए बेटर समझा गया। उनके इस बिलीफ ने स्लेवरी जैसे इंस्टीट्यूशन को जस्टिफाइड भी बताया गया, और इन्हें नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को जस्टिफाई भी किया। कई ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक रेस से आने वाले लोगों को सुपीरियर, जबकि कुछ पार्टिकुलर रेस से आने वाले लोगों को इन्फीरियर बताकर उन्हें एक्सप्लॉइट किया। और इसीलिए नेचुरल डिफरेंसेस ने एक और प्रॉब्लम को जन्म दिया है कि इन्हें पूरी तरह नेचुरल मान लिया गया है, जबकि आज बहुत से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें ऑल्टर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज साइंस की एडवांसमेंट ने स्पेशली चैलेंज लोगों का सोसाइटी में इफेक्टिवली काम करना पॉसिबल बना दिया है। आज कंप्यूटर की हेल्प से ब्लाइंड लोगों की हेल्प की जा सकती है। व्हीलचेयर और आर्टिफिशियल लिम्ब फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए किसी भी इंसान के लुक्स को भी बदला जा सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, जो ना चल सकते थे और ना ही बोल सकते थे, बट उन्होंने साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसीलिए आज अगर ऐसे लोगों को उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प ना दी जाए या उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के लिए सही रिपोर्ट ना दिए जाए, मीन्स उनकी इस कंडीशन के बेसिस पर अगर उनसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाए, तो ये अनजस्ट और अनफेयर होगा। और इसीलिए आज नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्लियर और सेल्फ एविडेंट नहीं है, मीन्स इनमें डिफरेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी रीजन की वजह से पॉलिटिकल थिंकर्स इनइक्वालिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम अवर चॉइसेस, जिसका मतलब है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो मिली, बट आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया ये आपकी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद आपके स्टेटस में कोई चेंज आना या ना आना, हो सकता है कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई कुछ भी ना बन सके, ये आपकी खुद की चॉइसेस पर डिपेंड करता है, और इसीलिए इस तरह की इनइक्वालिटी फेयर और जस्ट है। नंबर टू, इनइक्वालिटी ऑपरेटिंग इन अकाउंट ऑफ द फैमिली और सरकमस्टांसेस, मीन्स अगर आपका जन्म किसी पार्टिकुलर फैमिली में होने से आपके साथ कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा के आधार पर आपको अपॉर्चुनिटीज देने से रोक दिया गया,
तो जरूरी है इस तरह की इनइक्वालिटीज को कम या पूरी तरह खत्म किया जाए, या आपके जन्म ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ है जहां आप बेसिक नीड्स तक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें इक्वालिटी जैसे आइडियल्स की जरूरत है, इसके साथ साथ किस तरह के डिफरेंसेस को जस्ट और एक्सेप्टेबल माना जाता है और कौन से नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इक्वालिटी के डायमेंशंस के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।